हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जेंडर। जेंडर को हम लोग हिंदी में लिंग कहते हैं। यदि कोई पूछे कि जेंडर किसे कहते हैं, तो हम लोग हिंदी में कहेंगे जिस संज्ञा से स्त्री या पुरुष के लिंग का बोध होता है उसे जेंडर यानी कि लिंग कहते हैं। द नाउन विच डोनेट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जैसे हॉर्स, डॉग, काउ, विच, इससे जेंडर के भी कई भेद होते हैं। जैसे फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे पुलिंग। जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग पुलिंग कहते हैं। जैसे मैन, सन, हीरो, फादर, लॉयन, एक्सेट्रा, ये सब पुलिंग है। सेकंड है फेमिलिंग जेंडर, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मदर, सिस्टर, आंट, हीरोइन, वुमेन, एक्सेट्रा। थर्ड है कॉमन जेंडर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। जिससे पुरुष या स्त्री दोनों का बोध हो उसे हम लोग उभयलिंग कहते हैं यानी कि कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे चाइल्ड, स्टूडेंट, बेबी, पुपिल, थीप, एक्सेट्रा, ये सब हमारे कॉमन जेंडर है। फोर्थ है न्यूटर जेंडर, जिसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री पुरुष किसी का बोध न हो उसे सामान्यतः हम लोग न्यूटर जेंडर करते हैं। निर्जीव या समूहवाचक संज्ञा आती है, जैसे बुक, चेयर, क्राउड, ट्री, रूम, एक्सेट्रा, ये सब हमारे नपुंसक लिंग है यानी कि न्यूट्रल जेंडर है। ये सब रहे हमारे टाइप्स ऑफ जेंडर। अब मैं आपके लिए एक जेंडर देती हूँ, आप इसे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि ये कौन सा जेंडर है, एलिफेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।